21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण से धनु राशि की चमकेगी किस्मत, बनेंगे धनवान, होंगे मालामाल। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उससे धनु राशि वालों को अधिक फायदा होगा। धनु राशि के जो नाम के अक्षर होते हैं वो ये होते हैं, ये यो भा भी भू ध फा ढा और भे। इन अक्षर से यदि आपका नाम आता है तो आपकी धनु राशि बनती है और गोचर जो ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह नाम राशि से देखना चाहिए। यानी वर्तमान नाम यदि इन अक्षरों से आपका प्रारंभ हो रहा है तो आपकी धनु राशि होगी और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से सबसे अधिक फायदा होगा। इनकी चमकेगी किस्मत तथा धन प्राप्ति का उत्तम संयोग बनेगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस बार सूर्य ग्रहण हो रहा है और यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 रविवार के दिन सुबह 10:43 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:06 पर समाप्त हो जाएगा। यानी यह ग्रहण लगभग 3 घंटे से भी अधिक अवधि का रहेगा। इस दौरान 6 ग्रह वक्री रहेंगे और जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो ठीक 12 घंटे पहले इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए और गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। हमने अन्य वीडियो में सभी जानकारी दी है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि ग्रहण के कौन कौन से नियम है और कब कब पालन करना है, तथा यह ग्रहण भारत के प्रत्येक शहर में दिखाई देगा और विदेशों में भी यह ग्रहण कई स्थानों पर दिखाई देगा। यानी विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर घटित होगा तथा मृक्षिरा एवं आद्रा नक्षत्र में यह ग्रहण होने वाला है और ग्रहण काल की जो कुंडली बनती है उसमें सुबह 9:44 से 11:56 के बीच की जो कुंडली बनेगी वो सिंह लग्न की बनेगी और सिंह लग्न के साथ में द्वितीय स्थान में कन्या राशि, तृतीय भाव में तुला और चौथे में वृश्चिक और पंचम भाव में धनु राशि होगी। पंचम भाव में धनु राशि में केतु विराजित है और वहीं छठे घर की यदि हम बात करें तो धनु राशि के जो स्वामी है गुरु वो शनि के साथ में वहां पर मकर राशि में विराजित है और सप्तम स्थान में कुंभ राशि है और अष्टम भाव में मीन राशि है तथा नवम भाव में मेष राशि है और दशम भाव में शुक्र वृषभ राशि में विराजित है। वहीं एकादश स्थान जो कि लाभ स्थान कहलाता है, यहां से आय प्राप्ति या धन प्राप्ति देखा जाता है, वहां पर मिथुन राशि में सूर्य, बुध, चंद्र और राहु बैठे हैं। तो ये जो ग्रहण हो रहा है वो धनु राशि वालों को सप्तम स्थिति में ग्रहण होगा, यानी केंद्र स्थान पर ग्रहण होने जा रहा है और केंद्र स्थान पर जब ग्रहण होता है तो ये विपरीत स्थिति में एक राजयोग बनाता है, उसे विपरीत राजयोग कहा जाता है और यह विपरीत राजयोग धनु राशि वालों को धनवान बना देगा। धनु राशि वालों की किस्मत को यह चमका देगा तथा भाग्योन्नति करवाएगा, धन लाभ का उत्तम संयोग बनेगा, आश्चर्यजनक परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। यदि धनु राशि वाले विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में अच्छी सफलता इनको प्राप्त हो सकती है। यदि शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और बेरोजगार है तो रोजगार का अवसर इनको प्राप्त हो सकता है। कहीं नौकरी की तलाश में है तो नौकरी इनको प्राप्त हो जाएगी और यदि नौकरी भी प्राप्त हो गई है और विवाह की इच्छा कर रहे हैं तो विवाह भी इनका संपन्न हो जाएगा। यदि धनु राशि वाले प्रेम विवाह की सोच रहे हैं और प्रेम विवाह में बहुत दिनों से कोई अड़चन आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा यदि विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वह बाधाएं दूर हो जाएगी और इनको संतान का योग बनने लगेगा। इसके अलावा संतान की उन्नति और प्रगति भी होगी और आय के नए नए स्रोत इनके बन सकते हैं। यदि व्यापार में है तो नया सौदा इनको मिल सकता है, नया कारोबार इनके माध्यम से शुरू हो सकता है। इसके अलावा नौकरी में है तो वहाँ पर पदोन्नति हो सकती है, इनकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के लाभ इनको प्राप्त हो सकते हैं, स्थायी संपत्ति भी इनको प्राप्त होने वाली है और इसके अलावा यदि ये कोई ऐसा काम करते हैं
जिसमें बहुत दिनों से इनको कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो लाभ इनको 21 जून के बाद में दिखने लगेगा। यानी यह ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो 21 जून के बाद से प्रारंभ होगा। जैसे ही ग्रहण होगा उसके बाद से यह प्रभाव प्रारंभ होगा, जो कि 6 माह तक लगातार रहेगा। ग्रहण जब भी होता है उसका प्रभाव 6 माह तक निरंतर होता है। इसलिए जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही धनु राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी और इनको धनवान बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि आपका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।